माताजी रोहतक से आए हम। कहाँ से आए हो? रोहतक से आए हैं। क्या काम बना है? माताजी इसकी तबीयत खराब रहती थी मेरे घरवाले की। अच्छा इसकी? जी इसके कमर में दर्द रहता था, वैसे भी थोड़ी लाचार सी थी, ढीली ढीली रहा करती। अब आप क्या जोर से के बोल लो, सुना से अंदर। अब ये आपके आशीर्वाद से ठीक है? ठीक है अब जी। अच्छा थोड़ा बहुत है वैसे का दी, पर वो काम कुम कर दर्द हो जाए। काम करने की मारी भी करती होगी। नहीं माता जी दर्द था इसके वाक्य में। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूं बेटे, पुराना मानिए। और माता जी हमारा ऐसा काम था कि हमें कोई एक रुपया देकर राजी नहीं होता था। अच्छा अब आपके आशीर्वाद से किसी का तो हजारों में काम करता है, किसी का सौ में काम करता है, मेरा लाखों में काम को लगा। मैं माता जी आपके यहाँ तीसरी बार आया, चौथी बार फेरी थी। क्योंकि माता जी बीच में वैसे सेवा के लिए एक बार आया था, उस फेरी को मैं मानता नहीं, ये मेरी फेरी माननी चाहिए। तो माता जी हमारी चौथी अपाची फेरी मान लो आप, तो उसके बाद अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए का, मैंने 1,60,000 रुपए का लोन अप्लाई कर रखा था। अच्छा अच्छा। माता जी आपके आशीर्वाद से गिनती से ज्यादा नहीं कहता कि मेरा 15 से 7 दिन के बीच में हो गया। चलो भाई देखो, जैसे कि बच्चे का बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था, किसी का 100 में किसी का 1,000 में, ये बच्चा करोड़ों में खेल रहा है भाई, लाखों में करोड़ों में लाखों में लाखों में। माता जी आपके मुंह से निकली करोड़ों में तो करोड़ों से निकली। बस तो मेरे जकारा लगाओ को बढ़िया ला बोल साचे दरबार की बेटा, विश्वास रख तो ना करोड़ों में खिला देगी। माता जी मैं पहली बार आया जब मैंने विश्वास नहीं था, चला तो पहली बार नो भी कहीं धीरा था, माँ की एंट्री देख ला बता दे बेटा, नहीं कहीं आता माता जी। मैंने कहा था देखो माता जी गलती तो देखो बंदे को कोई बात नहीं बैठने, पहली बार में विश्वास नहीं, जैसी मेरी गलती थी मैं ऐसी सेवा करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी गलती सुधारने खातिर सेवा करा है, नुको नहीं करता तू गणा तेज आ। माता जी मैं ये कहता हूँ, लड़ाई बोली थी इन्होंने कि ना 5100 की, तो पूछा था ममता दी से, तो उन्होंने बोलता तेरे ने जैसी बोल लिया तू वैसे ही चढ़ा। हाँ बस जैसे अपने मुंह तक बोल लिया वैसे चढ़ाई होगी। माता जी मैंने माता जी का अपने मन में ये धारणा की थी, मैं माता जी अगर मेरा 160 का लोन होगा तो माता जी मैं सुख का आपके दरबार में आपके काम के लिए मैं 5100 रुपए अपनी तरफ से दान दे के जाऊंगा। बाकी सारी चीज पूछी थी, सूट वगैरह लाना है तो ममता दी ने मना कर दिया था कि नहीं कुछ नहीं जैसा बोल रहा है वैसा लाओ। बिल्कुल सही बता, क्योंकि जैसा इतना बोल रखा है जैसे तेरे काम इसने बनाए बेटे, ऐसा ही लेवेगी। 5100 बोल दिया, कोई बात नहीं बेटे, जैसा भाई मामा ने इसके काम बनाया, इसके घरवाले बीमार थी, एक कमरे में दर्द था ना बाबू तेरे, इसके रीढ़ की हड्डी में दर्द था और अब बिल्कुल ठीक है, और इसको 1 रुपए का काम नहीं था, अब बच्चे के मामा की दस सारे काम बनने लग रहे हैं आगे से आगे। हाँ माता जी मेरा काम नहीं चलता था बिल्कुल भी, अब आपके आशीर्वाद से मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं घर में लेके जरूर बढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को 2 पैसे बचते हैं। दरबार की जय। ये सच्चाई है माता जी, कोई रुपया देकर राजी नहीं होता, मगर आज आपके आशीर्वाद से लाखों रुपया काम मेरा चला है। चलो लाखों का बेटा करोड़ा का, मेरे मुंह तक करोड़ा की लिकड़ी है, तू करोड़ा में खेल लेगा मेरे बेटे, तेरी कोठी बनेगी, तेरे अंदन के भंडार भरेगी माई, और जमा कती नू ठोक ठोक कबर लियो कर नबी, इतना देगी मेरे बेटे। ठीक है जी माता जी, जय माता दी भाई, जकारा बद्दर काली माई जी का बोल साचे दरबार की जय, जकारा बारू बाबा का बोल साचे दरबार की जय, जकारा रिवाड़ी धाम का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी भाई, जय करा माता का माई स्कोर माता का क्यों कया करो तुम ममता माता का।